Oh, good morning, India. Monday to Friday. Back-to-back classes. Live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. Hey guys, welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. आप नमन अग्रवाल, स्वागत है आप सबका इंडिया के नंबर वन YouTube चैनल Wi-Fi Study में. और Wi-Fi Study अब Unacademy का हिस्सा है. तो guys, पहले तो आज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेशन इसलिए रखा है क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं मेरे पास 2016 मेंस में आए हुए हैं और एक दो तीन क्वेश्चन मैंने 2017 के भी लिए हुए हैं और टफ नहीं है. और अभी 2017 के जो मेंस के क्वेश्चन हैं वो और डिस्कस करेंगे. और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक दो इसमें मिक्स है, 2016 मेंस भी है, दो तीन क्वेश्चन 2017 के भी हैं, एक दो क्वेश्चन 2017 के हैं और एक दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर उठाए मैंने. तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. पहला क्वेश्चन है मेरे पास, If a plus b plus c is equals to 0, then find the value of 1 upon a plus b, b plus c, 1 upon b plus c, c plus a, plus 1 upon C plus A, A plus B. If A plus B plus C is equals to 0, then find the value of A plus B, B plus C, B plus C, C plus A, C plus A, A plus B. जल्दी इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा. और देखते हैं भाई क्या हुआ साहब. A plus B plus C 0 है तो मैं लिख सकता हूँ A plus B, ये लिख सकता हूँ मैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस सी. तो मैंने इसको लिख दिया 1 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस सी लिख सकता हूँ. और इसको लिख सकता हूँ b प्लस सी क्या हो सकता है, माइनस ए हो सकता है. ठीक है, ऐसे ही b प्लस सी को लिख सकता हूँ, इधर चला जाएगा माइनस ए प्लस 1 अपॉन b प्लस सी कितना हो जाएगा माइनस ए, और ये कितना हो जाएगा c प्लस ए हो जाएगा मेरे पास माइनस बी प्लस 1 अपॉन c प्लस ए कितना हो जाएगा माइनस बी, और ये हो जाएगा माइनस सी. ठीक है, ये हो जाएगा माइनस सी ए, ये हो जाएगा माइनस ए बी, और ये हो जाएगा माइनस बी माइनस सी. अब मुझे पता है ये क्या होता है मेरे पास, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन अपॉन सी ए प्लस, ये क्या हो जाएगा दोस्त मेरे पास, माइनस माइनस प्लस वन अपॉन ए बी, और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस माइनस प्लस वन अपॉन बी सी. ठीक है, ये मेरे पास ये हो जाएगा. अब क्या हुआ साहब, इसको मैं रब कर रहा हूँ. अब एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया ए बी सी, और यहाँ पे आएगा मेरे पास बी, यहाँ पे आ जाएगा सी, और यहाँ पे आएगा ए. और मुझे पता है ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो था, तो ज़ीरो अपॉन समथिंग, तो क्या हो जाएगा ज़ीरो आंसर हो जाएगा. ठीक है भैया, आंसर इज ज़ीरो. तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी. तो ये क्वेश्चन 2016 मेंस में आया था. तो अभी आप कहोगे सर इतना इजी क्वेश्चन है, तो अभी धीरे धीरे देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं. तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको मैं हटा रहा हूँ, ईजी क्वेश्चन है. और गाइस प्लीज़ वीडियो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, बाकी चीज़ें इस तरीके से क्लियर हो रही हैं कि एक बार में समझ में आ जाए, नहीं होती तो एक बार प्लीज़ वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन ट्राई करिएगा. मेरे पास है ए क्यूब इज इक्वल्स टू 117 प्लस बी क्यूब, और आगे है मेरे पास ए इज इक्वल्स टू 3 प्लस बी, और मुझे बताना है ए प्लस बी की वैल्यू मुझे बतानी है. बताइएगा
बताएगा। चलेगा इसका बताएगा क्या होगा। ट्राई करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखें भाई, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये 2016 का है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू 117, ठीक है। ये मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू 117 में लिख सकता हूँ। अब मुझे आज से ज़्यादा कोई ये नहीं पता होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। देखो नहीं पता है तो एक बार सीख लो, और मैंने जब अलजेब्रा पढ़ाई थी बताया था, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मेरे पास ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है भैया। ये क्या होता है, होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा। आई होप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना दे रखा है, ये दे रखा है 117, ये कितना दे रखा है 117 दे रखा है। अच्छा a माइनस बी, अब यहाँ देखना इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3, ये लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 का क्यूब प्लस 3ab, मुझे नहीं पता है तो ये रहने दिया ऐसी, और a माइनस बी कितना है, a माइनस बी है 3। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, अब ये 3 3 9 27, जब ये इधर जाएगा तो माइनस को जाएगा 117 माइनस 27 इज इक्वल्स टू 9ab, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 इज इक्वल्स टू 9, तो ab की वैल्यू कितनी आ गई, ab आ गया मेरे पास 10 आ गया। AB की वैल्यू कितनी आ गई, AB की वैल्यू आ गई मेरे पास 10। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, बहुत इजी है चीज़ें, देखो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मेरे पास, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब मैंने यहाँ से निकाल दी ab की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। मुझे लेकिन चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए a प्लस बी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे a प्लस बी चाहिए। तो देखो क्वेश्चन हल्का सा ट्रिकी है, अब क्या करते हैं साहब, आगे देखते हैं, मुझे क्या चाहिए a प्लस बी चाहिए, मुझे क्या चाहिए a प्लस बी चाहिए, लेकिन मेरे पास a माइनस बी है। मैंने क्या करा, a माइनस बी का मैंने क्या करा, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। जब इधर करूँगा तो इधर भी करूँगा, तो ये जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 3 3 9, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए a प्लस बी, मुझे चाहिए a प्लस बी चाहिए। तो जब दोस्त a प्लस बी चाहिए होगा तो यहाँ पे मुझे a प्लस बी का फॉर्मूला बनाना है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने यहाँ क्या करा, मैंने यहाँ 4ab करा, तो मैंने यहाँ पे भी 4ab कर दिया। अब कहोगे सर इससे क्या होगा, इससे बहुत कुछ हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2ab, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखो ये माइनस 2ab है प्लस 2ab, तो प्लस 2ab बचेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो 9 प्लस 4, ab की वैल्यू कितनी है, ab की वैल्यू है 10, तो यहाँ मैं रखूँगा 10 रखूँगा,
तो 10 फोर ज़ा 40, 40 प्लस 9, 49, तो ये कितना हो गया, ये मेरे पास हो गया 49 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया 49 हो गया, तो a प्लस बी कितना हो गया, a प्लस बी मेरे पास हो जाएगा प्लस माइनस 7, a प्लस बी कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 7 हो जाएगा। क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा लेंदी है, फिर से समझ लो, क्वेश्चन क्या था कि ए क्यूब इज इक्वल टू 117 प्लस बी क्यूब, तो मैंने इसको रख दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 117, आगे था ए इज इक्वल टू 3ab, तो मैंने रख दिया ए माइनस बी इज इक्वल टू 3, ए प्लस बी मेरे से पूछा था, मैंने पहले इसको ले आया उठा के, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह 117 रख दिया, ए माइनस बी कितना था 3 था, तो 3 का क्यूब प्लस 3ab और a माइनस बी 3 था, तो यहाँ से मैंने ab की वैल्यू निकाल दी 10, ab की वैल्यू 10 आ गई, मुझे चाहिए a प्लस बी चाहिए, तो मैंने क्या करा, मेरे पास क्या गिवन था, मेरे पास ये गिवन था a माइनस बी, मेरे पास क्या गिवन था, a माइनस बी 3 था, तो मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये 9, 3 का स्क्वायर 9, मैंने क्या करा 4ab इधर करवा दिया, 4ab इधर करवा दिया, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये कितना जाएगा 9, ये था मेरे पास 4, ab की वैल्यू 10 थी, तो 10 फोर था 40 प्लस 9 49 हो गया, तो a प्लस बी कितना आ गया, प्लस माइनस 7 आ गया, ठीक है भाई, ये भी 2016 में पूछा गया था। चल आगे देखते हैं, अब एक दो क्वेश्चन 2017 के भी देख लेते हैं भैया, अब देखते हैं, अब बहुत आसान क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन था मेरे पास a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू 6/5, a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू 6/5, दूसरा था b प्लस सी अपॉन a इज इक्वल टू 9/2, तो मुझे बताना था a प्लस सी अपॉन में b क्या होगा, बताओ। अब देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया करें, तो आप पहले देखो जो ये ए बी सी है वही ए बी सी है, आप पहले देखो टोटल सेम आ रहा है नहीं आ रहा, 9 और 2 11, 6 और 5 11, यानी टोटल मेरे पास 6 और 5 11, 9 और 2 11, अगर टोटल अलग अलग आता तो वो भी बता दूंगा कैसे सेम करना है, तो मैंने देखा a प्लस बी प्लस सी ये क्या है, ये 11 है, तो जिसमें से a कितना है, a है 2, a कितना है, a 2 है, c कितना है 2, c है 5, a 2 है c 5 है, तो 5 और 2 7, 11 में से 7 गया कितना बच जाएगा, 11 में से 7 गया कितना आ गया भैया 4, तो यानी b कितना आ गया, b आ गया मेरे पास 4 आ गया, ठीक है भैया, b कितना आ गया मेरे पास, b 4 आ गया, तो a कितना है 2 है, c कितना है 5 है, और b कितना है 4 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 7/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो अगर मैं 2/1 कर दूं और इसको मैं कर दूं 3/2 कर देता हूं, तो कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो हो जाएगा 9/6, और ये हो जाएगा मेरे पास 3 और 2 5 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो हो जाएगा मेरे पास 10/5, तो ये 10 और 5 15 हो गया, तो ए बी सी कितने हो गए, ए बी सी हो गया मेरे पास 15 हो गया, ठीक है, ए बी सी कितना हो गया, ए बी सी मेरे पास 15 हो गया, तो जिसमें से सी कितना है, सी 5 है, और ए कितना है, ए 6 है, तो 6 और 5 11, तो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो आप देख सकते हो ए प्लस बी 10 आ गया, ठीक है, और बी प्लस सी 9 आ गया, तो मैंने उल्टा ले लिया था, हमेशा जब ऐड करके तो वैल्यू ज़्यादा होगी और जो सिंगल बंदा है उसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है, तो अगर सेम नहीं आए तो रेशियो कैसे सेम करना है, अगर रेशियो सेम दे रखे हैं तो अच्छा है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये 2017 में इसका क्वेश्चन है, x1 x2 x3, यहां लिख रहा हूं x1 x2 x3 इज इक्वल टू 4 4 प्लस x1 x2
एक्स थ्री, ये क्वेश्चन में गिवन था और पूछा क्या था, वन अपॉन टू प्लस एक्स वन, वन अपॉन टू प्लस एक्स टू, वन अपॉन टू प्लस एक्स थ्री, ये गिवन था एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इज इक्वल्स टू फोर, फोर प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, और ये पूछा था वन अपॉन टू प्लस एक्स वन, वन अपॉन टू प्लस एक्स टू, वन अपॉन टू प्लस एक्स थ्री। चलो इसका आंसर बताओ। यहां पे मैंने एक याद हो आपको एक सेशन लिया था कि आप उसमें वैल्यू एज्यूम करो, तो यहां पे वैल्यू एज्यूम करने का बहुत बड़ा रोल है। अगर इसको मैं सॉल्व करने बैठ गया गाइस तो ये क्वेश्चन ही बहुत टाइम ले लेगा। यहाँ पे x1, x2, x3 की वैल्यू एज्यूम करो। मैंने क्या करा, x1, x2, x3 की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो कभी 4 है यहाँ, तो मैंने 2 रखा, 2 2 4 2 8 और ये 2 2 4 5 6, 6 और 4 10 40 नहीं होगा। मैंने 3 रख रहा हूँ, 3 3 3 4 12 64, देखिएगा x1, x2, x3 की वैल्यू मैं क्या रख रहा हूँ, 4 रख रहा हूँ, x1 इज इक्वल्स टू एक्स टू इज इक्वल्स टू एक्स थ्री की वैल्यू में 4 रख रहा हूँ, ठीक है, तो 4 4 था 16, 4 था 64, तो ये आ गया 64 आ गया, इज इक्वल्स टू ये 4 तो बाहर था, 4 प्लस 4 4 4 4 थी 12, 12 और 4 16, 16 चक्के 64, यानी जब मैं वैल्यू 4 रख रहा हूँ, जब मैं x1, x2, x3 की वैल्यू 4 रख रहा हूँ तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और जब मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यानी इसकी वैल्यू 4 रखूँगा, तो बस यहाँ पे x1, x2, x3 4 हो गया, तो 1 अपॉन 2 प्लस 4 कितना हो गया, 1 अपॉन 6 प्लस ये भी कितना हो गया 2 प्लस 4, 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6, तो कितना हो गया, ये हो गया 3 अपॉन 6 यानी 1 बाई 2 मेरे पास आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 1 बाई 2 मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, तो मुझे बताना है एक्स की वैल्यू, एक्स की पावर 31 प्लस वाई की पावर 35 की वैल्यू कितनी होगी। बताएगा कितनी होगी वैल्यू, देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया, इस टाइप का मैं क्वेश्चन कराऊंगा, सर बंद कर देना इसको, तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है, आप देखो आपने ब्रेक करा एक्स स्क्वायर प्लस वन ये लिया प्लस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, मेरे दोस्त ये क्या है, ये है कुछ नहीं है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, ये क्या है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है। मैंने कैसे पहचाना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था यहाँ पे टू एक्स था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी करता हूँ, ए स्क्वायर एक्स है बी स्क्वायर वन है, बी की वैल्यू वन है तो वन की मल्टीप्लाई इसी से कराऊंगा तो सेम नंबर रहता है, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया और ये है वाई स्क्वायर, तो यानी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन, क्या करते हैं इसको भी जीरो के इक्वल रखूंगा और इसको भी जीरो के इक्वल रखूंगा, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वाई की वैल्यू आ गई जीरो, तो अगर मैं एक्स की वैल्यू माइनस वन रख रहा हूँ तो माइनस वन की पावर कितना हो गया 35 हो गया, और वाई तो मेरा जीरो है, किसी की निगेटिव टर्म की पावर अगर ऑड है तो आंसर कितना रहता है, निगेटिव ही रहता है, ठीक है, आंसर कितना आ गया माइनस वन आ गया आंसर। तो अब इसका एक क्वेश्चन और करवाऊंगा तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा गया था किसी ना किसी पेपर में। चलो आगे देखते हैं, अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स
प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4x माइनस y, देन फाइंड x माइनस y, बताइएगा. इसका आंसर बताओ भाई. कोशिश करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये तीन ही कलर है बस, देखना आवाज वगैरह से प्रॉपर है. ऑल सेट. चलो क्या हुआ साहब, मैंने देखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस 4y हो जाएगा. तो इधर जाएगा तो प्लस का होगा, ये जब इधर जाएगा तो ये किसका होगा, ये प्लस का हो जाएगा. प्लस 4x तो माइनस 4x, माइनस 4y इधर जाके प्लस का हो जाएगा. अब देखो याद रखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगता है, x प्लस 1 x प्लस 2 कुछ भी हो सकता है वो. मैंने क्या करा साहब, मैंने यहाँ से x स्क्वायर उठाया, ठीक है, मैंने यहाँ से 4x उठा लिया, ठीक है. मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से x स्क्वायर उठाया और मैंने क्या करा, यहाँ से 4x उठा लिया. तो कोई गलती तो नहीं करी, ये 4x होगा ना, एक मिनट रुकना, 4x, हाँ. तो पहले देखो ये प्लस का 6x माइनस, अच्छा ये प्लस का भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x. प्लस का 6x माइनस का 4x क्या हो गया, प्लस 2x हो गया. इस 5 को मैंने ब्रेक कर लिया, 5 को क्या कर सकता हूँ मैं, 1 प्लस 4 लिख सकता हूँ. 5 को मैं 1 प्लस 4 लिख सकता हूँ. ऐसा क्यों करा वो भी बताऊंगा अभी मैं. इधर देखो पहले, यहां लिख दिया मैंने प्लस का 1 और ये y स्क्वायर को अलग कर दिया, y स्क्वायर प्लस का 4y और यहां लिख दिया मैंने प्लस का 4 इज इक्वल टू 0. अब आप कहोगे सर आपने 5 वाले को ब्रेक क्यों करा, ऑब्वियसली कहना जरूरी है 5 वाले को मैंने ब्रेक क्यों करा. 5 वाले को मैंने इसलिए ब्रेक करा, मैं देख रहा हूं यहां पर 2x है, तो मुझे पता है अगर मैं करता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है. अगर मेरे पास 2 तो ये मिल गया, एक एक्स है तो बी कितना होगा, बी तो 1 ही होगा क्योंकि यहाँ पे 2x ही तो आ रहा है. सेम नंबर कब आता है, जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ. अब यहाँ देखो, यहाँ पे 2ab होता है तो मेरे दोस्त 2 तो रहेगा, कांस्टेंट है. a कितना हो गया, a हो गया y, तो यानी b कितना होगा, b भी 2 होगा, तभी तो 2 × 2 = 4y होता है, ठीक है. चलो अब देखिएगा ये कितना हो गया दोस्त, ये कितना हो गया, ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये क्या हो गया, y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ऑब्वियस सी बात है, y प्लस 2 का होल स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2 × 2 = 4. तो ये कितना हो गया, x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 1, क्योंकि इसको भी 0 के इक्वेट करूंगा और इसको भी 0 के इक्वेट कर दूंगा. और y क्या हो गया, y इज इक्वल टू हो गया माइनस 2, ठीक है. y इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 2 हो गया. हमेशा ध्यान रखना जब भी इस टाइप के क्वेश्चन बने तो इसको अलग 0 के इक्वेट करना है और इसको अलग 0 के इक्वेट करना है, और इसका मैं रीजन पर बता चुका हूँ पहले वीडियोस में. तो मैंने x ये रखा माइनस 1, माइनस ये है, y क्या है, माइनस 2 है, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया. तो माइनस 1 प्लस 2 आंसर कितना आ गया, प्लस 1 मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है. आंसर कितना आ गया, प्लस 1 आंसर आ गया. चलो आगे बढ़े भाई. चलेगा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं. इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, चलो
इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? देखो पी है अगर मेरे पास कितना, पी है अगर मेरे पास 7+4√3, तो मैंने अभी जस्ट जब करवा रहा था शर्ट से बताया था, अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास 1/p बताओ, तो 1/p कितना हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूं 7 का स्क्वायर करता हूं 49, इसका स्क्वायर करूंगा 4 4 16 3 48, और इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो सिंपल मैं साइन चेंज कर दूंगा, मैं क्या कर दूंगा, मैं साइन चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो यानी ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया 1/p कितना हो गया 7 -4√3, रेशनलाइज करूंगा मतलब साइन चेंज कर दूंगा। अब क्या हुआ भैया, 1/p दे रखा था इतना, तो 1/p मेरे पास इतना आ गया। अब आपको अगर मैं कहूं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि पी इज इक्वल्स टू 1/q, ये कह सकता हूँ, या मैं आपसे कहता हूँ q इज इक्वल्स टू मेरे पास हो गया 1/p हो गया, ये भी तो कह सकता हूँ। तो आप एक चीज़ देखो, अगर मैं आपसे कहूँ q मेरे पास 1/p है, तो मेरे पास दोस्त एक बार बताओ, तो अगर p q1 है तो p इज इक्वल्स टू 1/q, या q इज इक्वल्स टू 1/p, और 1/p कितना है, 1/p है मेरे पास 7 -4√3, 1/p कितना है, 1/p है मेरे पास 7 -4√3 है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब सिंपल है, 1/p कितना है, एक सेकेंड, हाँ मेरे पास q में कह सकता हूँ 1/q क्या है, 1/q p है, तो इसको ना लिख के मेरे पास ये है 1/q कितना दे रखा है, 1/q p दे रखा है, तो 1/q p दे रखा है, p की वैल्यू कितनी है 7 + 4√3, तो मैं 1/q की जगह ये लिख सकता हूँ, और 1/p की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे, तो 1/p का स्क्वायर इसको हटा रहा हूँ मैं, 1/p का स्क्वायर यानी 7 -4√3 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस 1 नहीं आएगा, ये आएगा मेरे पास 1/q कितना हो जाएगा 7 + 4√3 का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब सिंपल है, अब तो मेरे ख्याल से कुछ इसमें बचा नहीं है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो 7 7 49, 49 प्लस 4 4 16 3 48 माइनस 2 AB होता है 7 4 28, 28 × 2 कितना हो जाएगा, तो जाएगा 2 × 7 × 4√3, ये हो जाएगा, इसको मैं ओपन करूंगा तो ये कितना होगा 7 7 49 प्लस 4 4 16 3 48 प्लस 2 × कटते नहीं जाना सर 7 × 4√3 कट रहेगा 4√3, तो मेरे दोस्त इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास 49 + 48 + 49 + 48 मैं कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, कर देते हैं, कितना आ जाएगा मेरे पास 4 और 194 आ जाएगा, ठीक है, कितना आंसर आ गया मेरे पास, मेरे पास आंसर आ गया 194, कोई दिक्कत किसी को, इजी क्वेश्चन है, कोई टेंशन लोड लेने वाली बात नहीं है, और ये क्वेश्चन भी मेंस में पूछा गया था, शायद 2017 के मेंस में आया था क्वेश्चन। चलो अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये 2016 मेंस का है, इसका आंसर बताओ क्या होगा, इसके ऑप्शन लिख दे रहा हूं मैं, इसके ऑप्शन होंगे
चलेगा, इसका आंसर बताएगा क्या होगा।